सियासत आप सोचते कुछ और हैं और उसकी चाल अलग हो जाती है। बिल्कुल उसी अंदाज में जहां जाना आपको बेच चौराहे पर कहां जाना है इसका पता नहीं चल पाता है। चौराहे पर आप खड़े हैं और किस दिशा में आपको मुड़ना है ये पता नहीं होता है और यही बिहार और देश की राजनीति में होने जा रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जब बिहार की सत्ता से बाहर हुई थी तो उसने कई तरह की बातें कही थी और कहा था कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, आपस में नहीं पटेगा। इतना ही नहीं, दूसरे एंगल पर आप देखिए तो बिहार में पूरे देश की राजनीति पूरी तरह से आकर के सिमट गई थी। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर पैदल यात्रा पर पिछले 6-7 महीने से चल रहे थे, वहीं वो लगातार इस यात्रा का फ़ायदा भी उठा लिए। MLC का चुनाव हुआ और उनके द्वारा समर्थित एक उम्मीदवार जीत भी गए। इसके साथ साथ उत्साह और कई गुना बढ़ गया, लेकिन अचानक से उनकी यात्रा स्थगित हो गई। उन्हें खुद यात्रा को स्थगित करना पड़ा, इसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक चुनाव के बाद अचानक से इस तरह का ट्विस्ट होना, एक तरफ जहां नीतीश कुमार लंबी यात्रा पर थे और लगातार कई राज्यों को एक जगह जोड़ना चाह रहे थे, वहां भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कांग्रेस ने अपर हैंड लेकर के अब इन सारी बातों पर चुप्पी साध ली है, तो वहीं प्रशांत किशोर की यात्रा का स्थगित होना कई तरह की बातें कह रहा है। हम लगातार आपको बता रहे थे कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होने जा रहा है और वो ट्विस्ट शायद आने वाले समय में अब होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी है, तो तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर खड़े हैं। प्रशांत किशोर के साथ एक बड़ी लॉबिंग है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि प्रशांत किशोर के साथ काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन अचानक से उनकी यात्रा का स्थगित होना, हालांकि उन्होंने डेट फिर से घोषित कर दिया है, लेकिन उस डेट पर क्या कुछ होगा वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में तो उनकी यात्रा स्थगित हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और अपनी बात रखी है। सुनिए क्या कहा है प्रशांत किशोर ने। पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए मैं लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे, डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली, फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ तो उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है, मतलब हिंदी में मसल फट गया है, और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है, मतलब 20-22-25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव यह है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1.5 महीने और 1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।